दोस्तों यार डीजे जो होता है हमारे यहाँ पे वो पूरा निर्भर होता है एक मिक्सर पे। तो दोस्तों मिक्सर जो होता है वो डीजे की जान होता है। तो उससे रिलेटेड दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूमा का ये M4 मिक्सर, जो कि 3 चैनल का मिक्सर है दोस्तों। तो आज हम इसके करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, इसका थोड़ा क्विव भी देखेंगे, इसकी हम टेस्टिंग भी करेंगे और इसका मैं थोड़ा प्राइस वगैरह का भी बताऊँगा और फिर कैसा है ये मिक्सर, आपको लेना चाहिए कि नहीं और यह अच्छा है या नहीं। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं डीजे शर्ण इंडिया। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा मिक्सर का जो बॉक्स है। तो सबसे पहले अगर मैं बॉक्स पे बात करूँ, हमको सबसे पहले देखने को मिलता है ऊपर यहाँ न्यूमा की ब्रांडिंग, फिर न्यूमा का मिक्सर की इसका बैक व्यू कैसा होगा ऐसा इसका दे रखा है थोड़ा डेमो टाइप। फिर यहाँ इस पर मार्क लगा हुआ है EU, मतलब ये यूरोप में बना हुआ है। फिर ये है इसका मॉडल नंबर M4 3 चैनल स्क्रैच मिक्सर, मतलब स्क्रैच जो हम वो यूज़ करते हैं कंट्रोलर जो मतलब डिस्क होती है उसको स्क्रैच करते हैं, तो उसके लिए ये लिखा हुआ है। फिर इसमें बॉक्स में क्या क्या आने वाला है दोस्तों, बॉक्स में आएगा सबसे पहले हमारा मिक्सर M4 मिक्सर, फिर पावर सप्लाई छोटे अक्षरों में लिखा इसलिए दिख नहीं पा रहा होगा आपको, फिर क्विक स्टार्ट गाइड एंड सेफ्टी एंड वारंटी मैनुअल, और यहाँ पे कुछ QR कोड दे रखे हैं जो कि बताते हैं कि ये प्रोडक्ट रियल है, और यहाँ पे भी कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए। फिर मैं इधर साइड पर बात करूँ तो यहाँ पे इसके कुछ की फीचर्स लिखे हुए हैं दोस्तों, काफ़ी छोटी छोटी भाषा में लिखे हुए हैं। वही लिखा हुआ कि इक्वलाइजर वगैरह, इसमें 3 चैनल 3 बैंड का इक्वलाइजर है, फिर इसका साइज़ वगैरह लिखा हुआ है। फिर दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों कुछ ऐसा है हमारा मिक्सर और ये है इसका एडेप्टर, ठीक है। फिर अगर मैं सबसे पहले ऊपर से आते हैं हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे न्यूमा की ब्रांडिंग, फिर इधर जो है ये है माइक का पोर्शन, तो माइक की ट्रेबल, माइक का बेस और माइक की गेन दे रखी है। फिर दोस्तों इसके नीचे आए तो हमको एक क्रॉस फेडर के लिए 2 सेटिंग मिलती है कि हमको उसको रिवर्स चलाना है या नॉर्मल चलाना है, और ये इसकी स्लोप, मतलब अगर हम जैसे फेड करेंगे तो उसका स्लोप कैसा जाना चाहिए। यह है इसका मॉडल नंबर। फिर हम ऊपर आएँ तो हमको यहाँ पे चैनल 1 का स्विच मिलता है, जिसमें आप चाहे तो उसको फोनो चलाएं या लाइन चलाएं, जो हमको पीछे देखने को मिलता है 2 मोड फोनो और लाइन। फिर यह है इसकी गेन, ये ट्रेबल, ये मिड, ये बेस और ये इसका वॉल्यूम स्लाइडर है दोस्तों, ठीक है। ऐसा कैसा, ये चैनल 1 थी, ये चैनल 2 है। तो दोस्तों इसमें खास बात है कि ये है कि हम इसमें चाहे तो 2 लाइन एक साथ चला सकते हैं, मतलब 2 मोबाइल हम एक साथ इसमें लगा सकते हैं। जैसे अगर हम पीछे, मैं आपको भी बताऊंगा, अगर हम लाइन ए पे कर देते हैं तो हमारी लाइन ए चालू हो जाएगी, उधर पीछे जो हमने लगा रखा है मोबाइल या कंप्यूटर PC की जो भी पिन लगा रखी है, और इधर कर देंगे तो ये बी पे हो जाएगा। और सेम इसकी गेन, ट्रेबल, मिड, बेस और इसका वॉल्यूम फेडर दे रखा है। फिर दोस्तों मैं चैनल 3 पे आता हूँ तो यहाँ पे भी हमको सेम इस चैनल 1 जैसा ही देखने को मिलता है, इसका स्विच फोन और लाइन करने के लिए, गेन, ट्रेबल, मिड, बेस और चैनल 3। फिर दोस्तों हम इधर आते हैं तो हमको ये प्रीफेड लिसन के लिए बटन दे रखा है, जिसमें हम चाहे तो मीटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर हम इसको दबा देंगे तो PFL पे हो जाएगा, PFL मतलब प्रीफेड लिसन के लिए, और इसको वापस हम दबा के बाहर कर देंगे तो मास्टर पे हो जाएगा, जिसमें मेन वॉल्यूम जा रहा है। ये मास्टर का वॉल्यूम है, ये क्यू गेन है जो हम क्यू यूज़ करते हैं उसके लिए, ये क्यू मिक्स के लिए है और ये क्यू के लिए, क्यू का बटन की चैनल 1 पे करना, चैनल 2 या चैनल 3 पे। फिर दोस्तों हमको बीच में देखने को मिल जाता है क्रॉस फेडर, जिसमें ये चैनल 1 है, इधर चैनल 2 और 3 है। फिर दोस्तों अगर मैं नीचे की साइड बात करूँ तो हमको यहाँ हेडफोन जैक देखने को मिल जाती है, जिसमें हमारा हेडफोन लगता है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं इसमें पीछे क्या है। फिर दोस्तों हम बैक साइड देखते हैं तो हमको इसमें सबसे पहले यहाँ पे पावर बटन देखने को मिलता है, पावर ऑन ऑफ का। यहाँ पे इसका एडेप्टर पावर पिन लगेगी। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर और इसकी ब्रांडिंग।
फिर दोस्तों मैं अगर आता हूँ तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है मास्टर आउटपुट और रिकॉर्ड आउटपुट, ये दो आउटपुट देखने को मिलते हैं हमको उसमें। फिर अगर मैं इधर आ जाऊँ चैनल 3 पे, तो ये चैनल 3 का स्विच दे रखा है पीछे भी कि आप इसको चाहे तो लाइन पे चलाएं या फ़ोनों पे चलाएं। ये लाइन का आउटपुट है, ये फ़ोनों का आउटपुट है। फिर दोस्तों चैनल 2 पे आऊँ तो सबसे पहले हमको ऊपर ये ग्राउंड के लिए दे रखा है जो अर्थिंग हम डाल सकते हैं। और फिर ये जैसा मैंने आपको बताया था, आप चाहे तो इसमें लाइन 1 में चलाइए या लाइन बी में चलाइए। तो एक टाइप से देखा जाए तो ये चार चैनल का मिक्सर हो गया है, क्योंकि हमको इसमें दो चैनल दो लाइन चार लाइन देखने को मिलती है, क्योंकि एक एक चैनल की दो इसकी और एक इसकी, मतलब चार हो गई है। फिर मैं अगर चैनल 1 पे आऊँ तो यहाँ पे भी हमको सेम स्विच मिलता है लाइन और फ़ोनों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लाइन का आउटपुट है, सॉरी लाइन का इनपुट है, और ये है फ़ोनों का इनपुट, और ये हेड ये माइक माइक्रोफोन के लिए जैक दे रखी है यहाँ पे, इसमें हमारा माइक लगेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको थोड़ी अभी डिटेल दी है इस मिक्सर के बारे में। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो दोस्तों ये जो मिक्सर है इसमें हमको देखने को मिलता है जो तीन चैनल दे रखी है, उसमें तीन चैनल में दो तो फ़ोन और लाइन के लिए दे रखा है, और इनके सबके RCA इनपुट्स दे रखे हैं। फिर जो सेकंड चैनल है उसमें हमको दो RC मिलती है लाइन का इनपुट डालने के लिए। फिर इनके सबके डेडिकेटेड यहाँ पे फेडर्स पर्सनल दे रखे हैं, यहाँ पे स्विच दे रखा है, आप चाहे तो फ़ोनों या लाइन पे या लाइन ए लाइन बी पे कर सकते हैं। ये प्रीफेड लिसन और मास्टर के लिए एक अलग सा बटन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है। फिर सभी चैनल्स में हमको 3 बैंड का इक्वलाइज़र मिलता है, जैसे बेस मिड ट्रेबल, और साथ में गेन भी देखने को मिलता है। और अगर मैं माइक की बात करूँ तो माइक में भी हमको 2 बैंड का इक्वलाइज़र देखने को मिलता है, जिसमें से हमको बेस और ट्रेबल का मिलता है कंट्रोल करने का, और ये माइक का गेन है। साथ ही हमको इसमें जो क्रॉस फेडर है इसमें हम चाहे तो इसको नॉर्मल चला सकते हैं या रिवर्स चला सकते हैं, मतलब उल्टा, और इसकी फिर स्लोप हमको कैसा ले जाना है उसके लिए भी ये बटन दे रखा है। तो और दोस्तों अगर इसके मास्टर आउटपुट की बात करूँ तो हमको मास्टर आउटपुट भी इसमें RCA के ज़रिए ही देखने को मिलता है, और साथ में एक अच्छी बात यह है कि हमको रिकॉर्ड के लिए आउटपुट अलग से मिल जाता है, तो हम चाहे तो उसको आउटपुट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आउटपुट तो रिकॉर्ड में और अच्छी क्वालिटी में ही आता है। और साथ में दोस्तों हमको जो ये LED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें LED इंडिकेशन पूरा होता है कि हमारी जो भी फ्रिक्वेंसियाँ जा रही है कि हमारी आउटपुट ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, साथ भी अगर वो ज़्यादा जा रहा है तो हम उसको चाहे तो यहाँ मास्टर से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इसकी क्यू भी दे रखी है कि हमको क्यू किस चैनल के लिए यूज़ करना है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ में PFL हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों साथ में हमको इसमें देखने को मिलती है हेडफोन के लिए अलग से जैक, और माइक के लिए पीछे जैक दे रखी है। तो दोस्तों हम माइकिंग अगर करना है तो इस मिक्सर में हम अच्छे से कर सकते हैं, बस इसमें एक ये बात है कि इसमें इफ़ेक्ट्स नहीं दे रखे हैं, जो कि हमने पहले मिक्सर की अनबॉक्सिंग करी थी और रिव्यू करा था, उसमें कई सारे इफेक्ट करीबन 16 इफेक्ट थे। तो दोस्तों हमको इस मिक्सर में देखने को नहीं मिलते, ये सिर्फ एक सिंपल मिक्सर है जो दोस्तों काफ़ी मीडियम रेंज का है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। तो दोस्तों ये थोड़ा इसका क्विक रिव्यू वो था और मैं थोड़ी इसकी डिटेल दी, तो दोस्तों चलिए करते हैं इसकी टेस्टिंग। मैंने मिक्सर लगा लिया है, फिर इसका मैंने मिक्सर का आउटपुट दे दिया है मेरे पी सीरीज के 0.3 पे इसका आउटपुट, और मैंने मेरा मोबाइल अटैच कर लिया है। तो दोस्तों मैंने 15 की टॉप लगाई जिसमें है 400+400 का स्पीकर। तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं आखिर हमारा मिक्सर क्या साउंड दे रहा है। मैंने सबसे पहले बात बता दूं, मैंने गेन पूरी 0 कर दी है और यहाँ से मास्टर भी पूरा कम कर दिया है। अब मैं ट्रैक प्ले करता हूँ और फिर हम देखते हैं कहाँ से क्या प्रेशर बन रहा है, ठीक है। तो ट्रैक प्ले करा, ये मैंने खोला, अब थोड़ा सा मास्टर खोलते हैं, देखिए गेन पूरी बंद है।
दोस्तों ये थी इस मिक्सर की टेस्टिंग, जिसमें मैंने आपको एक एक डिटेल बताने की पूरी कोशिश करी है। मिक्सर आपको कैसा लगा आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर मैं इसकी अब बात करूँ प्राइस की, तो दोस्तों इसका प्राइस कुछ पड़ता है हमको 6 से 7 हज़ार के बीच में पड़ता है, GST वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। तो दोस्तों ये इस मीडियम रेंज में काफ़ी अच्छा मिक्सर है, आप जो यूज़ कर रहे हैं फोनिक वगैरह, तो एक बार आप इससे भी ट्राई दे सकते हैं। मैं खुद पर्सनली भी यूज़ करता हूँ ये मिक्सर, मैं इसको करीबन 5 से 7 साल से यूज़ कर रहा हूँ, जो छोटे प्रोग्राम वगैरह होते हैं DJ या कभी रोड शो भी होता है, तो दोस्तों उसके लिए मैं यही मिक्सर यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों अगर मिक्सर अच्छा लगा हो और वीडियो दोनों अच्छी लगी, तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में कुछ बताइए कि आपको वीडियो और मिक्सर दोनों कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी आ जाए, क्योंकि मैं आगे ऐसी कई वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, साईं।